ये है हिमाचल की खूबसूरत वादियों में बसा ऐतिहासिक शहर चंबा। यूं तो ये शहर हर क्षेत्र में विकास व उन्नति लाना चाहता है, किंतु बढ़ती टीबी की समस्या इसकी प्रगति के रास्ते में एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। टीबी इसे धीरे धीरे दीमक की तरह अंदर से खोखला किए जा रहा है। टीबी की रोकथाम व जागरूकता के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कम्युनिटी मेडिसिन विभाग लगातार प्रयासरत है। भाई 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 घर के पीछे बंदे मार मार इसको, मार इसको। भाई क्या कर रहा है, किसको मार रहा है? भाई ये पबजी का खेल है यार, तू पत्ते दे, तेरे बस की बात नहीं है। तू वेश आ गया लगता है। अरे भाई कहाँ था तू? तू तो ईद का चांद हो गया। चांद कहाँ यार, मैं तो ग्रहण हो चुका हूँ। खास से गुजारते तो। अरे भाई आ गया तू? भाई किसी डॉक्टर को दिखा ला, मर जाएगा ऐसे तू। ओ नहीं नहीं यार, कौन अस्पताल में जाने लगा भाई, मैं केमिस्ट की दवाई से ठीक हो जाऊंगा। ले सुट्टा मारेगा, चल चला दे, चला दे, आ जा। ये ले दोबारा मार दे रुपेश, ये ले, ये ले। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, क्या आपने टीबी की आज की गोली ली? हाँ वो तो कब की खा ली, अब तो खत्म भी हो गई, दो महीने हो गए। अरे आपको तो डॉक्टर ने 6 महीने का कोर्स करने को बोला था। अरे वो तो ऐसे बोलते, तुम्हें काम है बोलना। हो गया आप तो ठीक, मैं पहले से काफी बेटर हूँ। बस ले तो लेनी थी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे बोलते रहते हैं, तुम अपना पढ़ाई भी ध्यान दो। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ ओके। अजी सुनते हो, सोनू के पापा? अरे चंपा क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है? चंपा देखे ना मेरे मायके वालों ने। अरे तेरा भी रोज रोज का अब रखा है। अजी क्या कर रहे हो? बस इतनी खांसी आपके अस्पताल क्यों नहीं जाया? बस चंपा तेरा पति परमेश्वर को प्यारने वाला चंपा। शुभ शुभ कहिए, अपने दो बच्चों के बारे में भी तो सोचा होगा। बस सोनू मोनू का ख्याल रखना चंपा। चलिए अस्पताल चलिए। नहीं चंपा, इस रोजमर्रा के काम में कहाँ समय लगता है चंपा। शहर से बड़े डॉक्टर आए हैं, चलिए। नहीं चंपा नहीं, अब हम मैं दोनों बच्चों की कसम, चलिए। चल ठीक है चंपा, फिर चलते हैं अस्पताल। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएंगे, मुझे इनकी थोड़ी जांच करनी थी। आप सांस लेंगे, गहरी सांस लें, दोबारा लीजिए, दोबारा लीजिए, पीछे मुड़िए। इनके अलावा हमारे घर आने वाला भी कोई नहीं, हमारे सुनू का क्या होगा? ठीक है, इसका तो रोजगार है, ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं कुछ टेस्ट लिख रही हूँ, आपने वो करवा के मेरे पास आ जाएंगे।
206 और 209 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, आप ये टाइम पे ले लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है वेलकम। नाम डॉक्टर साहब। आइए आइए, करवा लिया आपने जांच? ठीक है, रिपोर्ट्स भी दिखा देते हैं मुझे। बलगम की जांच करवाई? जी 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 जी। आप बैठिए, इधर आइए। और आप इनकी दवाइयों का ध्यान रखेंगे और ये टाइम से टाइम पे ले दवाइयाँ। ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद जी। ये दवाइयाँ लिख दी है मैंने इनको, और आप बाहर चलेंगे जन औषधि से। और ठीक है, धन्यवाद। राम राम। डॉक्टर ने दी थी मुकेश को सलाह, दवा ना खाकर की उसने अपनी जिंदगी तबाह। अरे मुकेश, तेरी बारी, पत्ते फेंक यार। एक लापरवाही ने हमारे दोस्त की जान ली। काश वो हमारे साथ होता तो आज खेल रहा होता। काश वो समय से अपना इलाज करवा पाता। आप ठीक तो हैं? बस चंपा, मैंने डॉक्टर साहब का कहा माना, 6 महीने का कोर्स पूरा किया और आज देख, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सही कह रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि टीबी के लक्षण क्या हैं? आइए जानते हैं। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, तेज बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, थकान, बलगम में खून आना व वजन कम होना। आइए अब जानते हैं कि टीबी से कैसे बचें। दवा समय से ले, मास्क का प्रयोग करें, खांसने व छींकने के बाद हाथ धोएं, BCG का टीका लगवाएं, मरीज के संपर्क में न आए व टीबी की शिक्षा लें। मैं पिछले साल का मेरा खांसी में शुरू हुई, फिर दवाई खाई, फिर ठीक नहीं हुआ, फिर इस साल फिर भी मैं यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल है। फिर भी ठीक है, हॉस्पिटल में दाखिल है, दवाई चल रही है, इलाज ठीक चल रहा है, खाना पूना ठीक चल रहा है। 2 हफ्ते तक खांसी आए और वजन भी कम हो जाए, हल्का हल्का रहे बुखार, जांच करा के करो उपचार। धन्यवाद।